लॉस सैंटोस के ओशन के ऊपर हम लोग को एक और रैंप चैलेंज मिल चुका है। बट यार गाइस, ये दिखने में मुझे लग रहा है कि ये कोई ना कोई मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज है, लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइजर है ना, इसको मैंने पहले कभी देखा नहीं है यार गाइस। मुझे तो लगता है कि ये किसी माफिया का बंदा है, क्योंकि जो इसकी शक्ल है ना वो कुछ ज्यादा ही भयानक है। एक सेकंड में अभी आप लोग को दिखाता हूँ यार गाइस, ये देखो ये दिखने में कितना ज्यादा भयानक है। तुमने मेरी शक्ल को क्या करना है? तुम लोग तो यहाँ पे मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज को क्लियर करने के लिए आए हो ना। हाँ, हम लोग तो मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज को क्लियर करने के लिए आए, लेकिन मुझे ये बताओ कि प्राइस कौन सा मिलेगा। प्राइस में तुम्हें मैं ऐसी गाड़ी दूंगा जो कि तुमने दुनिया में पहले कभी नहीं देखी होगी। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वैसी एक गाड़ी है। अच्छा, तो पूरी दुनिया में यार गाइस, ये बंदा बता रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी है, और उसको लेने के लिए हम लोग को ये पूरा का पूरा मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज क्लियर करना होगा, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा है। एक काम करता हूं कि सबसे पहले ये रेड वाली मोटर बाइक लेके जाता हूं। मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है हमेटी, देखता हूं कि तुम मेरा चैलेंज क्लियर कर पाते हो या फिर नहीं। आज तक मैंने सारे के सारे मेगा रैंप पार्कोर चैलेंजेस को क्लियर किया, तो फिर मैं इसको भी कर लूंगा यार गाइस। ये दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। एक मिनट, ये क्या चीज बना के दे दी इसने। अभी धीरे धीरे मुझे ये वाला चैलेंज काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन मोटर बाइक है यार गाइस, मोटर बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। और दूसरी मजे की बात ये कि ये होती भी लाइट वेट है। अभी सामने की तरफ एक और जंप है। एक काम करता हूँ कि मोटर बाइक को थोड़ा सा पहले पीछे लेके जाऊंगा, और फिर यहाँ से मुझे इसको भगाना होगा यार गाइस। पता नहीं जंप लगेगी या फिर नहीं। लेट्स गो, जंप लग गई। मुझे लगा था कि नहीं लगेगी, बट यार गाइस हम लोगों ने जंप लगा ली है। अभी आगे जाके देखते हैं कि और कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं यार गाइस। ये रास्ता कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है और कुछ ज्यादा ही मजे का है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरा का पूरा मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज एक ही गो में क्लियर कर लूँ। चाहता तो हर कोई यही है हामिटी, लेकिन वो क्या है ना कि ये चैलेंज इतना आसान नहीं है। मुझे पता है ये मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज है, और मेगा रैंप पार्कोर चैलेंजेस काफी ज्यादा बड़े होते हैं। एक मिनट, पानी कहाँ से आ गया बीच में? अरे यार, हमें तो लगता है कि इस वाले बंदे ने मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज बहुत ज्यादा नीचे करके बना के दे दी है। हाँ ना सिंचन, बहुत ही ज्यादा नीचे करके बना के दे दी है इसने हम लोग को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मोटर बाइक वाला रास्ता पूरा का पूरा मैंने सिर्फ और सिर्फ एक गो में क्लियर कर लिया है। इसका मतलब ये कि भाई साहब, आज तो मैं ही जीतूंगा। तुम्हें लग रहा है कि मेरा मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन तुम आगे जाओ, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। ठीक है, तुम बस अभी देखो तो सही कि मैं यहाँ पे करता क्या हूँ। लेकिन यार हमें, आपके बाद मेरी बारी आ जाएगी। सिंचन तेरी बारी तो आ जाएगी, मगर ये रास्ता मुझे कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रहा है यार गाइस। धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे, और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये इसने क्या बना के रखा है। मैंने जाना किधर से है? तुमने जाना है लेफ्ट साइड से। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पहले बताना था ना यार गाइस, ये बोल रहा है कि मैंने लेफ्ट साइड से जाना है, और लेफ्ट साइड पे रास्ता बहुत ही ज्यादा छोटा है, मुझे अपने एंगल को ठीक करना होगा। मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस वाले बंदे ने ये चैलेंज इम्पॉसिबल बना के दे दिया हम लोग को यार। नहीं नहीं चौप, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ काफी ज्यादा मुश्किल है। एक मिनट तू रुक तो सही, मेरे पास एक प्लान है। मैं सोच रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे लेके जाऊँ। भाई साहब ये क्या हो रहा है, मेरा हेलीकॉप्टर अभी तक बिल्कुल सेफ है यार गाइस। मुझे लगा था कि क्रैश कर जाएगा, लेकिन लकीली मेरा हेलीकॉप्टर बिल्कुल सेफ है। इसका मतलब ये कि मैं जीतूंगा। रास्ता बहुत ही ज्यादा इसने मुश्किल बना के रखा है, लेकिन हम लोग का भी एक्सपीरियंस है। मगर एक मिनट, अभी ये क्या चीज आ गई है सामने की तरफ? मेरे ख्याल से रॉकेट कार्स हैं। रॉकेट कार्स मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अभी जो भी है भाई साहब यही है, हम लोग को चलाना तो पड़ेगा इनको। काफी ज्यादा लकी हो तुम, तुम्हारा हेलीकॉप्टर क्रैश होने ही वाला था कि तुम बच गए। ऐसे कैसे क्रैश हो जाएगा, हेलीकॉप्टर को मैं चला रहा हूँ, ये कभी भी क्रैश नहीं होगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे चार गाड़ियां हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैं ग्रीन वाली गाड़ी को चूज करूंगी, दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन हमें, आपने तो मोटर बाइक वाला रास्ता क्लियर कर लिया, साथ में हेलीकॉप्टर वाला भी कर लिया। सिंचन अभी बस तू देखता जाके, मैं यहाँ पे रॉकेट कार वाले रास्ते को भी क्लियर करूंगा यार गाइस। मैं सोच के आया हूँ कि पूरा का पूरा मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज एक ही गो में क्लियर करूंगा। ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा अजीब सी है, लेकिन मैं इसको कंट्रोल करना अच्छे से जानता हूँ। यहाँ से टर्बो निकालूंगा, अभी पता नहीं जंप लगेगी या फिर नहीं। पहुंचो ना, पहुंचो, पहुंच गई यार गाइस। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा ओपी जंप लगाई थी, लेकिन लगता है कि टर्बो गलत टाइम पे निकाला था मैंने। रॉकेट कार को चलाने के लिए भी टेक्निक चाहिए होती है, लगता है कि तुम्हारे पास नहीं थी। टेक्निक तो थी मेरे पास, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जंप कितनी ज्यादा ऊंची है। हामिटी तुमने तो बहुत ज्यादा अच्छा खेला है, लेकिन अभी देखते हैं कि ये छोटा बच्चा क्या करता है। अरे यार हामिते, इसको बताओ कि मेरा नाम छोटा बच्चा नहीं, बल्कि मेरा नाम सिंचन है और मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। अच्छा तो तुम्हारा नाम सिंचन है, वो तो मैं अभी देख लूंगा कि तुम कितने ही ज्यादा एक्सपर्ट हो। सिंचन करके दिखा इसको पूरा का पूरा रैंप एक ही गो में, इसको क्लियर करके दिखा। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही स्पीड से जा रहा है। लेकिन सिंचन का एक प्लस पॉइंट ये है कि यार गाइस, इसने पूरे का पूरा रैंप देख के रखा है। पहली बारी हमेशा मैं करता हूँ, इसलिए इन लोग को प्लस पॉइंट मिल जाता है। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं पूरा का पूरा रैंप क्लियर कर सकता हूँ, बस एक दफा मेरी बारी आ जाए। ऐसे कैसे आपकी बारी आ जाए, सिंचन के बाद मेरी बारी आएगी? यार तेरी बारी तो आएगी चौप, लेकिन सिंचन ने भी मोटर बाइक वाला रास्ता क्लियर कर लिया है। बट ये जो हेलीकॉप्टर वाला रास्ता है ना, ये काफी ज्यादा टेक्निकल है, अभी पता नहीं सिंचन ये कर पाएगा या फिर नहीं। अरे यार हमें, शायद आपको पता नहीं है कि मैं हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा ओपी फ्लाई करता हूँ। पता है सिंचन, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल है, देखते हैं कि सिंचन कर पाता है या फिर नहीं। धीरे धीरे ये अपने हेलीकॉप्टर को आगे लेके जा रहा है, बट यार गाइस जो ये रास्ता है ना, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल।
मुश्किल है। अभी पता नहीं सिंचन इसके बीच में से निकल पाएगा या फिर नहीं। और गया, मुझे लगता है कि सिंचन का हेलीकॉप्टर फट जाएगा, लेकिन सिंचन बच गया है। काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल किया है इसने हेलीकॉप्टर को। मुझे लग रहा है कि भाई साहब सिंचन भी जीत सकता है। ऐसे कैसे सिंचन जीत सकता है, अभी तक तो मेरी बारी आई नहीं है यार। तेरी बारी भी आ जाएगी चौप, सिंचन के बाद तेरी बारी है। लेकिन फिलहाल तो सिंचन बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेल रहा है। एक दफा बस मुझे चांस मिल जाए ना, उसके बाद पूरा का पूरा मेगा रैम पार्कोर चैलेंज एक ही गो में क्लियर करूंगा। पता नहीं हामिटी तुम कौन से सपने देख रहे हो, ये मेगा रैम पार्कोर चैलेंज एक गो में इसको कोई भी क्लियर नहीं कर सकता। करने को तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो गाड़ियां तुमने देख रखी है ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन यार हामिद, अगर हम लोग इन वाली गाड़ियों के टर्बो को सही से यूज करें तो फिर हम लोग जंप लगा सकते हैं। सिंचन टर्बो तो मैंने भी सही से यूज किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे जंप नहीं लगी है। खैर देखते हैं कि सिंचन क्या करता है। सामने वाली जंप काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर सिंचन ने सही टाइम पे टर्बो निकाला तो फिर उसके बाद ये क्लियर कर सकता है, लेकिन टर्बो अभी तक नहीं निकाला। और भाई साहब यहाँ पे सिंचन ने टर्बो निकाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा खेला है इसने। मगर एक मिनट, इसकी गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही आगे चली गई और ये भी गया नीचे। कोशिश अच्छी की थी इसने, लेकिन वो क्या ना कि इसका एंगल ठीक नहीं था। जिस चीज का वेट था वो टाइम आ चुका। अभी बस आप देखते जाओ कि मैं करता क्या हूं, पूरा का पूरा रैंप क्लियर करूंगा यार। एक तो चौप तू कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है ना, मैं भी देखता हूं कि पूरा का पूरा रैंप तू किस तरह क्लियर करता है। ये काफी ज्यादा मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो जो रॉकेट कार वाली टेक्निक है ना, वो मैं समझ गया हूं। अभी बस एक दफा बारी आ जाए। चौप तो भाई साहब नॉन स्टॉप जा रहे आगे की तरफ, इतनी स्पीड से जाएगा तो कभी भी नहीं होगा चौप। मुझे लगा था कि पूरा का पूरा रैंप पे क्लियर कर लूंगा यार। तुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि तू पूरा का पूरा रैंप क्लियर करेगा, लेकिन वो क्या है ना कि तेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तू देख के मैं क्या करता हूँ। संभल के जाना हामिटी, ये रैंप चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक है। पता है मुझे अच्छे से पता है कि ये मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी के एंगल को ठीक से सेट करना है। ये वाला एंगल बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ से टर्बो निकालूंगा। और अभी मुझे लगता है कि गाड़ी मेरी ऊपर पहुंचेगी, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगानी है। रुक जाओ। रुक गई यार गाइस, गाड़ी रुक गई। इसको बोलते हैं ओपी एंगल। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है हामिटी, लगता है कि आज का चैलेंज तुम ही जीतोगे। आज का चैलेंज तो मैं जीत जाऊंगा, मगर सामने की तरफ एक और जंप है। अभी पता नहीं मेरी गाड़ी ये वाली जंप लगा पाएगी या फिर नहीं। लेट्स गो यार गाइस, जंप लग गई, लेकिन गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही है। कैसे हो सकता है मेरे साथ, इतना ज्यादा अच्छा खेल रहा था लेकिन गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी। तो फिर यार हामिद, आप एक काम करो कि आप मुझे बताओगे कौन सी टेक्निक को यूज करना है। सिंचन टेक्निक से ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे अपने एंगल को सेट करना है। देखते हैं कि सिंचन कर पाता है या फिर नहीं। गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन अगर सिंचन का एंगल ठीक हुआ तो फिर उसके बाद ये भी जंप लगा लेगा। सिंचन यहाँ से टर्बो निकाल, पता नहीं अब ये कर पाएगा या फिर नहीं। इसकी गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है और पहुंच गया फाइनली यार गाइस। सिंचन ने खतरनाक रास्ता क्लियर कर लिया है, लेकिन वो कहना कि यहाँ पे एक जंप नहीं है, यहाँ पे सामने की तरफ एक और जंप है। सबसे ज्यादा खतरनाक तो यही है, मैंने भी ऑलमोस्ट कर लिया था लेकिन मेरी गाड़ी आगे निकल गई थी। अभी देखते हैं कि सिंचन कर पाता है या फिर नहीं। टर्बो इसने बहुत पहले निकाल लिया और ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये करेगा। अबे भाई साहब, रोक दिया गाड़ी को इसने। मुझे लगा था कि नीचे गिर जाएगा, बट यार गाइस सिंचन अच्छा खेल रहा है, मानना पड़ेगा बहुत ज्यादा ओपी खेल रहा है। और इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंचन या फिर मैं जीतूंगा। ऐसे कैसे सिंचन या फिर आप जीतोगे, मैं भी तो खेलने के लिए आया हूँ यार। तू खेलने के लिए आया चौप, लेकिन वो कहना है कि तू काफी ज्यादा पीछे रह गया है। मगर इन दो गाड़ियों की छत नहीं है और वहाँ पे जो दो गाड़ियां खड़ी है इनकी छत है। तो फिर यार हामिद, मैं तो ये पिंक वाली गाड़ी को चूज करूंगा। पुराने जमाने की गाड़ी है, काफी ज्यादा अच्छी होती है और मुझे लगता है कि इसकी स्पीड भी तेज होगी। सारी की सारी गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन पहले देख लो कि तुम लोगों ने करना क्या है। देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा जंप मारेंगे। भाई साहब ये जंप तो कुछ ज्यादा ही दूर है, लेकिन सिंचन की गाड़ी की स्पीड भी कुछ ज्यादा ही तेज है। भाई साहब कर लिया इसने लिटरली में यार गाइस, सबसे ज्यादा खतरनाक रास्ता भी सिंचन ने क्लियर कर लिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सिंचन इतना ज्यादा ओपी कैसे खेल रहा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सिंचन कोई ना कोई चीटिंग कर रहा है यार। नहीं चौप, चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहा है सिंचन, काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है। लेकिन अभी सिंचन तूने जाना है सामने की तरफ, और भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं फाइटर जेट्स वाला रास्ता भी मुश्किल होता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि भाई साहब सिंचन जीतेगा। और यार हामिद, मुझे भी लग रहा है कि आज का मेगा रैम पार्कोर चैलेंज में जीत जाऊंगा। इतने दिनों के बाद मेगा रैम पार्कोर चैलेंज मिला यार गाइस, मैं इसको जीतना चाहता हूँ। क्योंकि उस वाले बंदे ने मुझे बोला है कि जो भी इस वाले मेगा रैम पार्कोर चैलेंज को क्लियर करेगा उसको एक ऐसी गाड़ी मिलेगी जो कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक है। अभी पता नहीं ऐसी कौन सी गाड़ी होगी जो कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक है यार गाइस। जीतेंगे तो पता चलेगा। सिंचन फिलहाल काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है और फाइटर जेट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ट्यूब के अंदर जा रहा है, कंट्रोल कर सिंचन, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन ये कर लेगा। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, फाइटर जेट तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो फिर ये फट कैसे गया? क्योंकि हमें तो इसको हवा में कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये ट्यूब भी बहुत ज्यादा छोटी है। हाँ वैसे ट्यूब तो काफी ज्यादा छोटी है सिंचन, लेकिन हो सकता था, पता नहीं तेरा दिमाग कहाँ पर था। एक काम करके जल्दी से वापस आ जा, लगता है कि अभी बहुत हो चुका है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार। कर ले भाई चौप, कुछ ना कुछ कर ले, सबसे ज्यादा पीछे तू ही है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आज का मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज तू कभी भी नहीं जीत पाएगा। और एक मिनट भाई साहब, लगता है कि इसको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। अभी अच्छा खेल रहा है, लेकिन वो कहना है कि ये तो स्टार्ट है, बाइक वाला रास्ता तो कोई भी क्लियर कर सकता है, लेकिन इसके बाद कौन सा रास्ता आएगा, हेलीकॉप्टर्स वाला, वो भी मुश्किल है। उसके बाद
बाद आएगा रॉकेट कार वाला रास्ता, वो भी मुश्किल है चौप, तुझसे नहीं होगा। ऐसे कैसे मुझसे नहीं होगा, अभी मेरी बारी आ गई ना, अभी बस आप देखते जाओ कि यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है चौप। मुझे पता है कि तू पूरा का पूरा रैंप तो नहीं क्लियर कर पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पूरा का पूरा मेगा रैंप पार्क को चैलेंज क्लियर कर सकता हूँ यार। ठीक है, वो तो अभी पता चल जाएगा चौप, लेकिन सामने की तरफ रास्ता देख कितना ज्यादा छोटा है। इतने छोटे रास्ते से हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए टेक्निक चाहिए, मगर भाई साहब कंट्रोल हो तो चौप जैसा हो लिटरली में यार। इसका हेलीकॉप्टर तो कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टच हुआ है लेकिन दिक्कत नहीं है, मैं जीत जाऊंगा यार। हाँ थोड़ा सा टच हुआ है लेकिन अच्छा खेल रहा है यार गाइस, हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अच्छा है इसका, लेकिन रॉकेट कार को कैसे चलाएगा चौप। रॉकेट कार को चलाने के लिए टेक्निक चाहिए, तेरे पास है क्या? सब कुछ है मेरे पास, सारी की सारी टेक्निक से, बस आप देखो कि यहाँ पे क्या होता है यार। ठीक है, मैं देख रहा हूँ अभी तक तो यार गाइस, वैसे मानना पड़ेगा चौप काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है, लेकिन रॉकेट कार को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इसका टर्बो है ना यार गाइस, वो ऑटोमेटिक है। हम लोग एक दफा बटन प्रेस करते हैं इसका टर्बो ऑन हो जाता है, और अगर एक दफा इसका टर्बो ऑन हो गया तो फिर उसके बाद हम लोग उसको ऑफ नहीं कर सकते हैं यार गाइस, ये ऑटो पे ही चलता है। अभी देखते हैं कि चॉप के एंगल्स कितने ज्यादा ओपी हैं, ये रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन चॉप अभी टर्बो यूज कर लेना किस चीज का वेट कर रहा है, मुझे लगता है कि नहीं कर पाएगा लिटरली में यार गाइस, मुझे लगता है कि नहीं कर पाएगा। मगर चॉप ने पहली जंप लगा ली और बहुत ज्यादा स्मूथली लगाई है, बट ये रैंप अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता यार गाइस, सामने की तरफ एक और जंप है, मुझसे तो ये जंप लगी नहीं थी, लेकिन अभी देखते हैं कि चॉप लगा पाता है या फिर नहीं यार गाइस। टर्बो इसने बिल्कुल सही टाइम पे निकाला है, और ये मैं क्या देख रहा हूँ चॉप ने भी कर लिया यार गाइस, अब मैं क्या करूंगा, चॉप तो मुझसे ज्यादा आगे निकल गया है, अभी तो बस आप देखते जाओ मैं सिंचन से भी ज्यादा आगे निकलूंगा यार। मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आ रही है यार गाइस, चॉप अभी कुछ ना कुछ करेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया है। रॉकेट कार के बाद आएगा एरोप्लेन वाला रास्ता, उसके बाद पता नहीं क्या आएगा यार गाइस, आगे जाके देख लेंगे, लेकिन चॉप ये जंप बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है कि तू नहीं लगा पाएगा। अगर मैं रॉकेट कार वाली जंप लगा सकता हूं तो फिर ये वाली जंप भी लगा सकता हूं यार। हां वैसे बात तो सोचने वाली है यार गाइस, चॉप ने रॉकेट कार वाली जंप एक ही गो में लगा ली है, तो फिर इसका मतलब ये कि चॉप ये वाली जंप भी लगा लेगा, लेट्स गो। भाई साहब गाड़ी कुछ ज्यादा ही ऊंची निकल गई है इसकी, अभी पता नहीं ये सही जगह पे लैंड करेगा या फिर नहीं, और कंट्रोल है यार गाइस, हवा में गाड़ी को बहुत ज्यादा बढ़िया कंट्रोल किया है इसने। लेकिन अभी सामने की तरफ फाइटर जेट वाला रास्ता है चॉप, सिंचन से ये नहीं क्लियर हुआ था, सिंचन से नहीं क्लियर हुआ था तो क्या हुआ, मैं तो करके दिखाऊंगा ना आपको यार। ठीक है, देख लेते हैं कि तू कर पाता है या फिर नहीं, लेकिन रास्ता मानना पड़ेगा यार गाइस, काफी ज्यादा मुश्किल है। सामने की तरफ ट्यूब है जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, और जो हम लोग के पास ये वाले फाइटर जेट्स है ना, इनका साइज बहुत बड़ा है। अभी देखते हैं कि चॉप इसको कंट्रोल किस तरह करता है। चलाता तो सिंचन भी फाइटर जेट को बहुत ज्यादा ओपी है, लेकिन पता नहीं आज इसको क्या हो गया। मैं बताता हूँ सिंचन को क्या हुआ, सिंचन को बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। नहीं नहीं चॉप, सिंचन को डर वर नहीं लगता है, लेकिन अभी देखता हूँ कि तू क्या करता है यार गाइस। अभी तक तो ये ओपी फ्लाई कर रहा है इसको, लेकिन साइज देखो फाइटर जेट का साइज कितना ज्यादा बड़ा है, और मानना पड़ेगा कंट्रोल हो तो चॉप जैसा हो यार गाइस। इसने टर्न भी नहीं किया और यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये ठुक जाएगा, और एक मिनट ये क्या कर रहा है चॉप, ये लिटरली में यार गाइस पता नहीं क्या ही कर रहा है। मैंने जो भी किया बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि मैं रैंप के ऊपर तो पहुंच गया हूं ना यार। तुमने बहुत ज्यादा बढ़िया खेला है चॉप, तुम रैंप तक पहुंच गए, उसके बाद तुम्हारा फाइटर जेट क्रैश हो गया है। अगर तो तुम पहले गिर जाते तो फिर तुम हार जाते, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम सबसे ज्यादा आगे हो। इसी बात की तो दिक्कत है यार गाइस, चॉप बहुत ही ज्यादा आगे निकल गया है। अभी पता नहीं मेरी बारी कब आएगी, एक दफा चॉप हार जाए ना उसके बाद मेरी बारी आ जाएगी, और अगर मेरी बारी आ गई तो फिर उसके बाद ये वाला रैंप चैलेंज तो मैं क्लियर कर लूंगा। बट यार गाइस अभी पता नहीं मेरी बारी कब आएगी, अभी तक तो चॉप बहुत ज्यादा ओपी खेल रहा है और गया नीचे। मुझे पता था कि यार गाइस यहाँ पे जाएगा नीचे, और कोशिश कर रहा है बचने की, लेकिन बचेगा नहीं यार गाइस, ये रास्ता मुश्किल था, रास्ता बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन ये बीच में इस बंदे ने ट्रैप बना के दे दिया था यार। बर्गर के ऊपर मॉन्स्टर ट्रक को लेके जाएगा तो चॉप ये बाउंस तो करेगा ना। फाइनली यार गाइस मेरी बारी आ चुकी है, और मैं सबसे ज्यादा पीछे हूँ, एक दफा बस ये वाली जंप मुझसे लग गई ना, उसके बाद पूरा का पूरा रैंप मैं क्लियर कर सकता हूँ। पता नहीं आप कौन से सपने देख रहे हो, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, और मुझे पता है कि आपसे जंप ही नहीं लगेगी यार। जंप तो चॉप मैं तुझे अभी लगा के दिखाऊंगा, बस तू देखता जा के अभी यहाँ पे होता क्या। लेट्स गो भाई साहब, हो गई जंप तो मैंने लगा ली है, लेकिन वो कहना कि गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही है यार गाइस, ये कैसी किस्मत पाई है मैंने। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी बस की बात नहीं है यार, पूरा का पूरा प्लान खराब होके रह गया। इतना ज्यादा अच्छा खेल रहा था, लेकिन ये पता नहीं एकदम से क्या हो गया। आपने अच्छा खेला किधर, आप जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे हो आपकी गाड़ी फट गई यार। गाड़ी फटी नहीं थी चॉप, गाड़ी नीचे गिर गई थी, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, दोबारा मेरी बारी आएगी उसके बाद मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। मैं तो बोलता हूँ कि घर वापस जाओ, ये रास्ता बहुत मुश्किल, आपसे नहीं होगा यार, ऐसे कैसे मुझसे नहीं होगा। चॉप रैंप को क्लियर करने के लिए आया हूं, तो रैंप को तो मैं क्लियर करूंगा, बट अभी देखते हैं कि सिंचन क्या करता है। फाइटर जेट को कंट्रोल तो ये बहुत ज्यादा ओपी कर रहा है, और भाई साहब ये कैसे हो सकता है यार गाइस, सिंचन ने भी कर लिया, इसका फाइटर जेट यहाँ पे क्रैश हो गया, लेकिन सिंचन ने रैंप को क्लियर कर लिया है। अब क्या करूंगा, मैं सबसे ज्यादा पीछे हूँ, सिंचन के बाद आती है चॉप की बारी, और फिर जाके मेरी बारी आएगी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं यार गाइस, अगर चॉप ने क्लियर कर लिया तो फिर उसके बाद मेरी बारी नहीं आने वाली है। मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूं, कोशिश करने की जरूरत नहीं, आपकी बारी कभी नहीं आएगी यार, आएगी आएगी चॉप, एक मिनट रुक तो सही, देखते हैं कि सिंचन क्या करता है। मॉन्स्टर ट्रक वाला रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, और मुझे लगता है कि सिंचन ये वाला रास्ता नहीं क्लियर कर पाएगा यार गाइस, ये लिटरली में बहुत
बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सिंचन मॉन्स्टर ट्रक को कंट्रोल कर रहा है। अब अगर ये मॉन्स्टर ट्रक को इतना ओपी कंट्रोल करेगा तो भाई साहब ये जीतेगा। मगर एक मिनट, इसका मॉन्स्टर ट्रक अभी भी आगे जा रहा है यार गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। और एक सेकंड बच गया यार गाइस, मुझे लगा था कि नीचे गिरेगा, लेकिन सिंचन अभी बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है। पता नहीं अभी मेरी बारी आएगी भी या फिर नहीं, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि मेरी बारी आ जाए। और अगर एक दफा बस मेरी बारी आ गई ना, उसके बाद यार गाइस पूरा का पूरा रैंप में क्लियर कर सकता हूं। ऐसे कैसे आपकी बारी आएगी, पता नहीं कौन से सपने देख रहे हो बैठ के यार। मुझे पता है चौप सिंचन के बाद तेरी बारी, और भाई साहब कर लिया इसने, मानना पड़ेगा यार गाइस सिंचन कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है। लेकिन सामने की तरफ जंप है और ये जंप नहीं लगा पाएगा क्योंकि तेरे मॉन्स्टर की स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, मुझे एक और बारी चाहिए। बारी बारी नहीं मिलेगी सिंचन, तुझे अपनी बारी का वेट करना होगा। मुझे तो पहले ही पता था कि सिंचन के बस की बात नहीं है, ये वाला मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मैं क्लियर कर सकता हूँ यार। अमेटी देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो मॉन्स्टर ट्रक वाला रास्ता है ना, इसके बाद लास्ट रास्ता आएगा और वो आएगा बोट वाला। मुझे लगता है कि चौप आज का चैलेंज जीत जाएगा। ऐसे कैसे चौप जीतेगा, मेरी बारी आएगी चौप के बाद और मुझे पता है कि ये नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बंदा मुझे बोल रहा है कि यार गाइस मॉन्स्टर ट्रक के बाद लास्ट रास्ता आएगा और वो आएगा बोट वाला। अभी पता नहीं मेरी बारी आएगी या फिर नहीं, बस एक चांस चाहिए मुझे लिटरली। मैं यार गाइस सिर्फ एक चांस मिल गया ना, उसके बाद मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि चॉप नहीं कर पाएगा। हाँ यार गाइस, ये रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल है और मुझे पता है कि चॉप नहीं कर पाएगा। मॉन्स्टर ट्रक गया पानी में, लेकिन अब भाई साहब ये मॉन्स्टर ट्रक है तो इसको कुछ होगा नहीं। लेकिन ये जंप कैसे लगाएगा, जंप काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे पता था कि यार गाइस चॉप जंप नहीं लगा पाएगा। लगता है कि मेरी किस्मत में जीतना लिखा ही नहीं है यार। सही बोल रहा है चॉप, तू कभी नहीं जीत पाएगा, एक काम करके चुपचाप ऊपर जाके वेट कर। चलो हामेटी, तुम्हारी बारी दोबारा आ गई है, लगता है कि किस्मत ने तुम्हें एक और मौका दे दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे पास एक ही चांस है यार गाइस, अगर मैंने अभी क्लियर कर लिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मुझसे क्लियर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद सिंचन की बारी और फिर उसके बाद चॉप की बारी है यार गाइस। आप लोग बोल सकते हो कि मेरे पास एक ही चांस है, इसलिए फटाफट से जाके अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करके रैंप ओपी लिख देना। ऐसे कैसे रैंप ओपी लिखते ना, कमेंट करके चॉप ओपी लिखो यार। ठीक है यार गाइस, अगर आप लोग को लगता है कि चॉप जीतेगा तो आप लोग कमेंट करके चॉप ओपी लिख सकते हो, लेकिन अभी मेरा फोकस तो रैंप के ऊपर है। और भाई साहब हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल से हुआ है, बट यार गाइस मैंने क्लियर कर लिया है। और अब अगर ये खतरनाक रास्ता मुझसे क्लियर हो गया तो फिर भाई साहब पूरा का पूरा रैंप क्लियर करूंगा। देख लो हामेटी, एक ही चांस है तुम्हारे पास। हाँ मुझे पता है मेरे पास एक ही चांस है, मैं ट्राई करूंगा, मुझे लगता है कि हो जाएगा। ये गाड़ी वाली जंप तो सिंचन और चॉप ने एक ही गो में लगाई थी ना, तो फिर इसका मतलब ये कि ये जंप तो मैं भी लगा सकता हूँ। मेरी इस वाली गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा तेज है और जंप भी तो बहुत ज्यादा दूर है, मुझे बस अपनी गाड़ी को सही से हवा में कंट्रोल करना है यार गाइस। लगता है कि हो गया, एक दफा बस ये रास्ता क्लियर हो जाए ना, उसके बाद मजा आ जाएगा। और यार गाइस फाइनली ये मैंने क्लियर कर लिया है। अभी सिंचन और चॉप तुम लोग नहीं बचोगे मुझसे। ऐसे कैसे हम लोग नहीं बचेंगे, फाइटर जेट आपको चलाने आता है क्या यार? नहीं चॉप, फाइटर जेट मुझे चलाने नहीं, बल्कि फाइटर जेट मुझे उड़ाने आता है। और अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ कि फाइटर जेट को किस तरह फ्लाई करते हैं यार गाइस। गाड़ी को पहले मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, और सिंचन ने भी ये क्लियर कर लिया है, चॉप ने भी क्लियर कर लिया, इसका मतलब ये कि सिर्फ मैं रह गया हूँ। अभी मुझे जल्दी से ये फाइटर जेट वाला रास्ता क्लियर करना है यार गाइस। ये है तो काफी ज्यादा मुश्किल, लेकिन मेरा फाइटर जेट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं इसको फ्लाई कर सकता हूँ। देख लो हामेटी, तुम्हारे पास एक ही चांस है। अबे पता है ना एक चांस है, 10 दफा तुम मुझे बता चुके हो कि मेरे पास एक चांस है, अभी मुझे थोड़ा सा फोकस करने दो। काफी ज्यादा मुश्किल से मैं इतना ज्यादा आगे पहुंच गया हूं, तो भाई साहब मुझे लगता है कि मैं करूंगा। फाइटर जेट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। अभी मैंने इसको यहां पे लैंड करना है, और मुझे पता है कि ये लैंड तो होगा नहीं, बल्कि एक मिनट भाई साहब ये फट गया, मगर मैं बच गया यार गाइस। लकीली मैं ट्रैक के ऊपर ही हूं, अगर तो मैं ट्रैक से नीचे गिर जाता ना, उसके बाद मेरी बारी दोबारा नहीं आती यार गाइस। इसका मतलब ये कि मुझे एक चांस मिल चुका है। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्स्टर ट्रक है क्या? ले आऊंगा सारे के सारे मॉन्स्टर ट्रक ले आऊंगा, पहले तुम अपनी बारी करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपनी बारी करता हूं यार गाइस। देखो चॉप भी इधर खड़ा हुआ है, सिंचन भी इधर खड़ा हुआ है, मुझे इतना तो पता है कि एक ही चांस है, पता नहीं होगा या फिर नहीं यार गाइस। अगर आप लोग चाहते हो कि ये पूरे का पूरा रैंप में एक ही गो में क्लियर करूं, तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर कमेंट करके हामेटी ओपी लिख देना। लगता है कि बोलने में देर हो गई। अरे हामेटी ये क्या कर दिया, एक ही चांस था तुम्हारे पास और गिर गए तुम। मुझे तुम एक बात बताओ कि ये फ्लैग तुमने इतनी गलत जगह पे क्यों लगा के रखा है? मेरा मेगा रैंप पार्कोर चैलेंजेस के अंदर सिर्फ वही होगा जो कि मैं चाहूंगा। अरे यार हामेटी आप तो हार गए। सिंचन हारा नहीं हूं, अभी मैं बस नीचे गिरा हूं, लेकिन पता नहीं अभी तुम लोग कर पाओगे या फिर नहीं। सिंचन का तो पता नहीं, लेकिन अगर एक दफा मेरी बारी आ गई ना, उसके बाद आप देखना मैं पूरा का पूरा रैंप क्लियर कर सकता हूं यार। ठीक है चलो
अब सिंचन के बाद वैसे भी तेरी बारी है, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ये जो पोल है ना यार गाइस, ये पोल देखो हवा में फ्लाई कर रहा है लिटरली में यार गाइस, ये कोई फ्लैग को लगाने की जगह है क्या? मेरा मेगा रैंप पार्क और चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ इसमें वही होगा जो कि मैं चाहूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं तुमसे क्या ही बहस करूं यार गाइस, देखते हैं कि सिंचन कर पाता है या फिर नहीं। इस बंदे ने हम लोग को बोला है कि प्राइस में ऐसी गाड़ी मिलेगी जो कि दुनिया में पहले कभी नहीं देखी होगी हम लोगों ने, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो गाड़ी मुझे नहीं मिलेगी यार गाइस, क्योंकि अभी सिंचन की बारी है और फिर सिंचन के बाद आएगी चॉप की बारी। देखते हैं कि ये कर पाते हैं या फिर नहीं। यार गाइस जंप काफी ज्यादा ऊंची है और ये मैं क्या देख रहा हूँ, अबे नहीं भाई साहब सिंचन ने जंप लगा ली। अभी ये बोट वाला रास्ता लास्ट है क्या? तुमने बिल्कुल ठीक बोला अमिटी, जेट्स की वाला रास्ता लास्ट है और इसके अंदर टर्बो भी है। चल भाई सिंचन, अभी मुझे लगता है कि तू जीत गया है। और यार अमिते मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जीत जाऊंगा। सिंचन जीत क्या जाऊंगा, तू जीत गया, लेकिन याद रहे अगर तेरी बोट ट्रैक से बाहर निकल गई तो फिर उसके बाद तू डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन यार अमिते मेरी बोट तो ट्रैक से बाहर जाएगी नहीं, वो तो अभी हम लोग देख लेंगे। यार गाइस काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है, मैं भी जीतने वाला था, लेकिन ये जो फ्लैग पोल इसने लगा के रखा था ना यार गाइस, ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी जगह पे था। लेकिन खैर अभी हम लोग कंप्लेंस नहीं करेंगे यार गाइस, जो भी है यही है। मेगा रैंप पार्कोर चैलेंजेस वैसे भी काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिंचन जीतेगा। जितनी स्पीड से ये जा रहा है ना यार गाइस, अब क्या ही जीतेगा, ये तो जीत गया है। बोट वाला रास्ता सबसे ज्यादा इजी होता है और इसके अंदर तो टर्बाइंस भी नहीं है। मगर एक मिनट, अभी ये ट्रैक से बाहर निकलेगा, बट नहीं यार गाइस सिंचन बहुत बढ़िया खेल रहा है और अब अगर इतना ओपी खेलेगा तो फिर ये जीत जाएगा। मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, बेटी वो क्या है ना कि सिंचन ने पूरा का पूरा मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज क्लियर कर लिया है। वो तो ठीक है, लेकिन ये ना यहाँ पे कोई डायमंड है, ना यहाँ पे कोई गोल्ड है, सिर्फ एक गाड़ी है क्या? लगता है कि हाँ बेटी तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि इस वाली गाड़ी की वर्थ कितनी है। वो तो वाकई में मुझे नहीं पता, लेकिन ये है क्या चीज, ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है? अरे यार हमें कंपनी को छोड़ो, ये देखो लाइसेंस प्लेट के ऊपर बॉस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि सिंचन आज के बाद तू सिंचन नहीं बल्कि तू सिंचन बॉस है। मगर एक काम करना कि गाड़ी के अंदर बैठ के देख ये चलने में किस तरह की है, मुझे तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही है। दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी है ये। अच्छा तो ये पैगानी है यार गाइस, काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी गाड़ी का कलर भी सेम है और सीट्स का कलर भी सेम है। लेकिन ये बंदा बता रहा है कि इस तरह की गाड़ी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही है। मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई खास बात तो होगी। इस वाली गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और इसकी बॉडी पूरी की पूरी कार्बन फाइबर की बनी हुई है। अच्छा चलो ठीक है, वैसे यार गाइस गाड़ी तो मानना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे, और मुझे इतना भी पता है कि इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। सिंचन एक काम करके लॉस सैंटोस के अंदर लेके जाए इसको, उसके बाद पता चलेगा कि ये वाली गाड़ी एग्जैक्टली है क्या चीज। यार गाइस मुझे अभी तक दिखने में बहुत ज्यादा ओपी लग रही है, और एक मिनट जंप तो इसने बहुत ज्यादा ओपी लगाई है, और मजे की बात ये कि इस वाली गाड़ी का टर्बो खत्म भी नहीं होता है यार गाइस, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी है। लेकिन अगर ये नीचे गिरेगी तो फिर उसके बाद ये क्रैश होगी। मगर एक मिनट गाइस, सिंचन की गाड़ी गई काम से लेकिन बच गई। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि गाड़ी क्रैश होगी, लेकिन नहीं यार गाइस सिंचन ने गाड़ी को बचा लिया है। और ये वाली गाड़ी दिखने में तो बहुत ज्यादा ओपी है, और यार हमें तो ये वाली गाड़ी चलने में भी बहुत ज्यादा ओपी है, वो तो मुझे दिख रहा है। सिंचन मानना पड़ेगा गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, और ये वाला मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर आप लोग को आज वाला मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज और सिंचन का ये वाला प्राइस ओपी लगा तो यार गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूं कल एक और खतरनाक मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।